हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का 17th चैप्टर दैट इज स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम्स के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो इस चैप्टर्स का हेडिंग है ना, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स जैसा इस चैप्टर्स के हेडिंग से ही पता चल रहा है हमें कि हमें स्टार्स के बारे में और हमारे सोलर सिस्टम्स के ही बारे में हमें बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टार्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इनका जो लोकेशंस है वो किस प्लेस में है हमारे स्काइज में, इनके बारे में आप जान पाओगे। कितने टाइप्स के स्टार्स होते हैं इसके बारे में भी आप जान पाओगे, साथ ही आप जान पाओगे हमारे इस सोलर सिस्टम्स के बारे में, ठीक है ना, जहां पर सन्स के बारे में जान पाओगे, हमारे इस अर्थ के बारे में जान पाओगे जिस अर्थ में हम सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में इस सोलर सिस्टम्स में 8 प्लैनेट्स के बारे में जान पाओगे इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है। और ये जो अर्थ है ना, बाकी सभी प्लैनेट से ये बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसमें जो लाइफ है वो पॉसिबल है सिर्फ इसी प्लैनेट में, ये बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। साथ में आप जान पाओगे लाइट ईयर क्या होते हैं, ठीक है ना, किसी भी दो स्टार्स के बीच के डिस्टेंसेस को हम लोग मेजरमेंट के लिए लाइट ईयर का यूज करते हैं। क्या होते हैं सैटेलाइट्स, क्या होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इन सभी के बारे में देखा जाए तो ओवरऑल आपको सोलर सिस्टम्स और स्टार्स के बारे में काफी जानकारी आपको मिलेगी इस चैप्टर्स में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स के हेडिंग में स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम्स में आखिर स्टार वर्ड का क्या मीन होता है। फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हो स्टार्स के बारे में, स्टार्स एक बर्निंग गैस का एक बॉल है, ठीक है ना, जो काफी अर्थ से काफी डिस्टेंस में वो प्रेजेंस होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण से हम उन्हें काफी स्मॉल देखते हैं, वह भी इन्हें हम स्टार्स को सिर्फ हम नाइट के टाइम ही देख सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है डे के टाइम जो है सन लाइट्स के कारण हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपको ये बात जान लेनी है ये जो स्टार्स हैं ऑल द टाइम्स स्काइज में प्रेजेंस होते हैं, और स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन्स यह है स्टार्स के ट्विंकलिंग करने का, लाइट के रिफ्रैक्शंस के कारण ही स्टार्स जो हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, आप जानते हो अर्थ के एटमॉस्फेयर्स में एयर है प्रेजेंस, ठीक है ना, जिसके कारण से क्या होते हैं लाइट्स जो हैं वो रिफ्रैक्टेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जान ले रहे हैं कि आखिर स्टार्स के बारे में, स्टार्स इज अ वेरी लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग गैस इन स्पेस दैट इज यूजुअली सीन फ्रॉम द अर्थ एज अ पॉइंट ऑफ लाइट शोज इन द स्काई एट नाइट दैट इज कॉल्ड स्टार्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सोलर सिस्टम्स के बारे में। तो जैसा आप सभी जानते हो सोलर सिस्टम्स का फ्रेंड्स हेड है सन, ठीक है ना, और सन उसके 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स, मेटेयर्स, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, ये बनाते हैं सोलर सिस्टम को, आप सभी को पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको अभी बताया सोलर सिस्टम्स के बारे में, द कलेक्शंस ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, ठीक है ना, इन ऑर्बिट अराउंड द सन टुगेदर विद स्मॉलर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड यू कैन से मेटेयर्स makes solar systems, ये बात भी आपको जान लेनी है friends। तो friends as you can see our first word is celestial objects, जैसा आप सभी देख पा रहे हो। What do you mean by celestial? तो friend आप जानते हो celestials word का mean होता है relating to the sky, और you can say astronomical, उसे ही हम लोग celestials objects कह रहे हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो the stars, the
planets, the moon, and many other objects in the sky are called celestial objects. ये बात भी आपको जान लेनी है. बहुत ऐसे आकाश में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, मून, ठीक है ना, और भी अनदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्काइज में प्रेजेंस होते हैं, उन्हें हम लोग सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं. तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, आवर नेक्स्ट वर्ड इज फेजेस ऑफ द मून, जैसा आप सभी देख पा रहे हो. तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं फेजेस वर्ड का आखिर क्या मीन होता है. तो फ्रेंड्स, आप जानते हो फेजेस मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है ना, डिफरेंट स्टेट को हम फेजेस कह रहे हैं, जैसा आप सभी जानते हो. अ डिस्टिंक्ट पीरियड और स्टेजेस इन अ प्रोसेस ऑफ चेंज, और यू कैन से फॉर्मिंग पार्ट ऑफ समथिंग्स डेवलपमेंट इज कॉल्ड फेज, ठीक है ना फ्रेंड्स. अब है मून. तो मून का मतलब आप जानते हो, मून जो है हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है, ठीक है ना. तो फेजेस ऑफ द मून जो है वो जनरली क्या होते हैं, जहां पर मून्स का जो शेप है ना वो डे बाय डे चेंज होता है. ये बात आपको जान लेनी है, जिसे हम लोग फेजेस ऑफ द मून्स कह रहे हैं, ठीक है ना. और ये जो फेजेस ऑफ द मून्स है, इसका एक पार्टिकुलर टाइम्स होता है, एक पार्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होकर एक पार्टिकुलर टाइम्स में यह है यह फिनिश्ड होती है, ठीक है ना. ये बात भी आपको जान लेनी है. तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं मून के बारे में. मून हमारे इस अर्थ का ओनली वन सैटेलाइट है, ठीक है ना, वह भी नेचुरल सैटेलाइट. यह बात भी आपको जान लेनी है. मून अर्थ का रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लेता है. तो फ्रेंड्स, मून जो है वो अर्थ का रिवोल्यूशंस करने में 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 11 सेकंड्स का टाइम लेता है, और इतना ही टाइम वह अपने एक्सिस पर एक टाइम रोटेट करने में लेता है. इसीलिए हम जनरली अर्थ से मून का कुछ ही परसेंटेज हम देख पाते हैं, वो परसेंटेज है 57-58%. ये बात भी आपको जान लेनी है. तो फ्रेंड्स, साथ में आपको ये जान लेना है कि आखिर फेजेस ऑफ द मून होने के क्या कारण हैं. जैसा आप सभी जानते हो, जितने पार्टिकुलर जो एरियाज हैं मून के, ठीक है ना, वो जितना पार्टिकुलर एरियाज है मून का, वह जितना सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे अर्थ की ओर, इस कारण से मून जो है हमें उतने ही दिखाई पड़ते हैं. एरियाज अगर बहुत ही कम होगा रिफ्लेक्शंस का, तो मून जो है हमें बहुत ही थिन दिखाई देंगे, ठीक है ना. और एरिया जो है रिफ्लेक्शंस का जितना ही बड़ा होता जाएगा, यानी थिनर से भी अब थिकर होते जाएंगे, तो अब क्या होगा, मून जो है हमें काफी मोटा दिखने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा हम फुल मून को देख पाएंगे. ये बात भी आपको जान लेनी है. एक फुल मून से एक और फुल मून के बीच का जो डे का जो डिस्टेंस है वह है 29 डेज का. ये बात भी आपको जान लेनी है. और साथ में मून को हम फॉसिल प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं, ठीक है ना. तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, आवर नेक्स्ट वर्ड इज लाइट ईयर. व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर. तो फ्रेंड्स, लाइट ईयर से आप क्या समझते हो. तो फ्रेंड्स, लाइट ईयर जो होते हैं ना, वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है ना. ये बात आपको जान लेनी है. जब भी आप और हम अर्थ से किसी और स्टार्स, या फिर आप बोल सकते हो बिटवीन टू स्टार्स के बीच का डिस्टेंस अगर मेजरमेंट करते हैं, यदि हम किसी अपने अर्थ से किसी एक नज़दीकी सबसे नियरेस्ट जो स्टार्स है उसके बीच का डिस्टेंसेस, या फिर बिटवीन टू स्टार्स के बीच का डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं या फिर मेजरमेंट करते हैं, देन दैट टाइम हम यूज करते हैं लाइट ईयर का. ये बात आपको जान लेनी है. ये लाइट ईयर आखिर क्या होता है, इसे हमें समझनी है. तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हो, लाइट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो 1 सेकेंड्स में 300,000 किलोमीटर्स 1 सेकेंड्स में ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना. जब लाइट 1 सेकेंड्स में इतने डिस्टेंस को टैग जाते हैं, तब वो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस जाते हैं, आप सोचो, ठीक है ना. तो ये जो डिस्टेंस हुआ लाइट के द्वारा, जब 1 ईयर में जितने डिस्टेंस उन्होंने कवर्ड किए लाइट ने, ठीक है ना, तो इसे हम लोग 1 लाइट ईयर कह रहे हैं. यह बात आपको जान लेनी है.
1 ईयर, याद रखनी है आपको, लाइट रेज 1 ईयर में इतने डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक है ना। वो जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, जैसा आप सभी जानते हो, लाइट जो है वो 1 ईयर में 9.46 × 10^12 किलोमीटर इतने दूरी को वो तय करती है, दैट इज नियरली अबाउट 6 trillion miles, या इसके इक्वल्स होते हैं। यह बात भी आपको जान लेनी है, यानी इतने जो डिस्टेंस है वो लाइट 1 ईयर में कवर्ड करते हैं, ठीक है ना। यह बात भी आपको जान लेनी है। अगर एग्जांपल्स में आपको पूछा जाए कि अगर मान लो दो स्टार्स के बीच का डिफरेंसेस अगर 4 light years है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट्स, तो फ्रेंड्स जब भी दो स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 light years है, दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, 9.46 × 10^12 किलोमीटर ये लाइट का 1 ईयर में इतने डिस्टेंस वो कवर करती है, जब भी 4 light years होंगे मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है ना। इतने नंबर्स को हम एक साथ नहीं कह सकते, यह बात भी आपको जान लेनी है। इसीलिए जनरली लाइट ईयर्स का यूज होता है, ठीक है ना, इतने डिस्टेंस को शॉर्ट में एक्सप्रेस करने के लिए, यह बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टेलेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टेलेशंस, तो फ्रेंड्स कॉन्स्टेलेशंस से आप क्या समझते हो, तो फ्रेंड्स कॉन्स्टेलेशंस जो होते हैं वो एक स्टार्स का एक ग्रुप होता है, जिसे हम लोग कॉन्स्टेलेशंस कह रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में होते हैं, यह बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बहुत से एंशियंट टाइम्स में लोगों का जो मानना था और आज भी है कि कॉन्स्टेलेशंस जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं ना, ये डिफरेंट स्टार्स पीपल पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और इसके कारण से ही हम जो है जनरली डिफरेंट तरह के जो चिल्ड्रेन होते हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट मेरिटियस होते हैं, या फिर उनके कैरेक्टर्स जो हैं इसी स्टार्स के कारण डिफर होते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टेलेशंस। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न दैट इज ट्रेडिशनली नेम्ड आफ्टर इट्स apparent form or identified with a mythological figure. Mythological figure का मतलब sign of the zodiac, ठीक है ना friends? तो friends चलिए जान लेते हैं ये constellations जो है वो एक group of stars को form करते हैं एक recognizable pattern में, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है। और इससे हम लोग mythological figures भी कहते हैं, जिसे हम लोग जिसे हमने कहा कि साइन ऑफ जोडाइक है, ठीक है ना। ये माइथोलॉजिकल फिगर क्या होते हैं और क्या होता है ये साइन ऑफ द जोडाइक, चलिए जानते हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि आखिर ये जो जोडाइक है ना, देयर आर 12 एस्ट्रोनॉमिकल साइंस ऑल्सो नोन एज जोडाइक साइंस। द 12 साइंस आर एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पिसिस, ठीक है ना। ये 12 एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हैं, या फिर आप बोल सकते हो जोडाइक साइंस हैं, ठीक है ना। इन्हें हम हिंदी में राशियां कहते हैं, यह बात भी आपको जान लेनी है। ये डेफिनेट जो स्टार्स हैं उनका एक पैटर्न है, ये बात भी आपको जान लेनी है। People believe that different sign of the zodiac present different character and talent. ये बात भी आपको जान लेनी है। आज के जो people हैं और पहले के जो times के ancient times की जो people हैं वो भी इस बात को मानते थे कि constellations जो हैं उनमें जब differ होता है तो people जो होते हैं उनके meritius में उनके characters में change होते हैं, ठीक है ना। Friends, as you can see, our next word is Ursa Major. What do you mean by Ursa Major? One of the most prominent and one of the most famous constellations is called Ursa Major, which is present in Northern Hemisphere. ये बात भी आपको जान लेनी है. It is also known as Big Dipper, Great Bear, or the Saptarishi in Sanskrit or Hindi. ठीक है ना? There are 7
अब यू कैन से देर आर सेवन प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टेलेशन, जहां पर सात इसमें सेवन जो है वो काफी स्टार्स जो होते हैं वो ब्राइटेस्ट स्टार प्रेजेंस होते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि ये बिग लैडल और क्वेश्चन मार्क को ये क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इसके थ्री स्टार्स जो है वो हैंडल में होते हैं लैडल के, और फोर स्टार्स इसके बाउल में होते हैं। याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज ओरियन, ठीक है ना। ओरियन जो है वो भी एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इन्हें हम विंटर के इवनिंग्स में, हम इन्हें आकाश पर और स्काइज में हम देख पाते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। इसमें सेवन से एट ब्राइटेड स्टार्स होते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। और ये हंटर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि उस हंटर्स के मिडिल में थ्री स्टार्स हैं, ठीक है ना, जो इनको बेल्ट को बताते हैं, उनके बेल्ट को, और बाकी जो स्टार्स हैं उनके पूरे बॉडी का अरेंज करता है, ठीक है ना, एज अ क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म्स में, यह बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। साथ में आपको ये बात भी जान लेनी है, किसी भी कोई भी कॉन्स्टेलेशंस जो स्टार्स का ग्रुप है, ठीक है ना, जिसका हम डेफिनेट नाम कह रहे हैं आपको, चाहे वह ओरियन हो या फिर ग्रेट बियर, इसमें नंबर्स ऑफ स्टार्स जो होते हैं ना वो 1 or 5 or 7 or 12 नहीं होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। उसमें ये जो नंबर्स जो होते हैं, जो मैंने आपको कहा, ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं उन उन कॉन्स्टेलेशंस के ग्रुप्स में से, ये बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी पिक्चर्स में भी देख पा रहे हो, यह है ओरियन कॉन्स्टेलेशंस का जो पिक्चर्स आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है जो हंटर्स है उनका जैसे इमेज एक क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा, उनके बेल्ट्स में लग रहे हैं थ्री स्टार्स हैं, और दो क्वाड्रिलेटरल उनके पूरे बॉडी का फॉर्मेशंस कर रहा है, आप सभी देख पा रहे हो पिक्चर्स में, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन होंगे और जान लेंगे कैसोपिया कॉन्स्टेलेशंस के बारे में, या एक और प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशंस है, ठीक है ना, जो नॉर्दर्न स्काई में हमें दिखाई मिलती है, ठीक है ना, वह भी विंटर के सीजन्स में, जैसा आप सभी देख पा रहे हो। ये नाइट जो है, नाइट के अर्ली पार्ट्स में हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है। आप इसे अराउंड 8 to 10 o'clock PM को आप इसे देख पाओगे, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है। और इनका जो लेटर का जो क्रिएशंस होता है इनसे, ऐसा लगता है कि वो W और M का क्रिएशंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट तरह के कॉन्स्टेलेशंस, जैसा मैंने कहा, उसमें डेफिनेट जो है वो स्टार्स नहीं होते हैं 1, 3, 5, 7, 11 ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बट देर आर सम स्टार्स विच इज वेरी ब्राइटेस्ट, ठीक है ना। तो बहुत ब्राइटेस्ट होते हैं जो, जैसा मैंने कहा, और उन्हें हम, ये जो लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये येलो वाला, ये कोई रियल लाइन नहीं है जो स्काइज में हम देख पाते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग कुछ बातें आप जान लेते हैं सोलर सिस्टम से रिलेट करते हुए। जैसा मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया कि आखिर सन जो है हमारे इस सोलर सिस्टम्स का हेड है, वह सेंटर पोजीशंस में है, उसके ही अट्रैक्शंस के कारण डिफरेंट टाइप्स के जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना, वो उनके चारों ओर जो है रोटेट कर रहे हैं, रिवोल्यूशंस कर रहे हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस सोलर सिस्टम्स में प्लैनेट्स हैं, कमेट्स हैं, एस्टेरॉयड्स हैं, मेटियोर्स हैं, मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताई। आपको यह जान लेना चाहिए कि आखिर जो हमारा ये सोलर फैमिली है ना फ्रेंड्स, यह एक गैलेक्सी का ही पार्ट है, वो गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे हमें नाइट के टाइम नॉर्थ से साउथ डायरेक्शंस की ओर हमें दिखाई देते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। यानी हमारा सोलर सिस्टम जो है वो पार्ट है मिल्की वे का, ये बात आपको जान लेनी है, ठीक है ना। और इस गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, और हमारे इस
सोलर सिस्टम्स का सबसे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये बात भी आपको जान लेनी है। एंड्रोमेडा हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, ठीक है ना। गैलेक्सी को देखने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे गैलीलियो। ये आखिर गैलेक्सी क्या होता है? तो गैलेक्सीज फ्रेंड्स स्टार्स के बहुत ऐसा कलेक्शंस और ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है उसे हम लोग गैलेक्सीज कह रहे हैं, जिसके कारण से स्टार्स का, ठीक है ना, और ग्रुप ऑफ स्टार्स का क्रिएशंस होता है इस गैलेक्सीज में। ये बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सन को अगर हम छोड़ दें तो सन के बाद हमारा नेक्स्ट कोई स्टार है क्या जो हमारे अर्थ से सबसे नियरेस्ट है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह अर्थ से सबसे नियरेस्ट जो है वो स्टार है किसके बाद देकर, तो वह है अगर हम सन को छोड़ दें तो हमारे अर्थ से सबसे नियरेस्ट जो स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह बात भी आपको जान के रखनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि सन से जो डिस्टेंस वाइज जो प्लैनेट्स हैं उनका पोजीशंस आखिर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो, द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इसे डिस्टेंस वाइज रखा गया है, इसे बहुत ही अच्छे से आपको समझ लेनी है। इसमें से आपको जान लेनी है फ्रेंड्स, ये मर्क्यूरी जो है ना फ्रेंड्स, वेनस, अर्थ और मार्स, ये जो 4 है ना इसे हम लोग इनर प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं, ठीक है ना। ये बात भी आपको जान लेनी है। और सबके जो डिस्टेंस है वो सन से डिफरेंट है, ठीक है ना, इसी कारण से कोई भी इनके पाथ पर नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि आखिर हमारे इस सोलर फैमिली में सबसे हॉटेस्ट एंड सबसे ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट्स हैं वो आखिर कौन है। तो फ्रेंड्स आपको ख्याल होना चाहिए कि आखिर मर्करी होने चाहिए, लेकिन यह जो आंसर है बिल्कुल गलत है, क्योंकि मर्करी जो है वह सन के सबसे नियरेस्ट है, इसलिए ये सबसे हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये जो है आंसर मर्क्यूरी यह रॉन्ग है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा वेनस। ये बहुत बार आपको क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं सबसे हॉटेस्ट एंड सबसे जो आप बोल सकते हो ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है हमारे सोलर सिस्टम्स में, उसे हम कहते हैं वेनस। वेनस सबसे हॉटेस्ट एंड सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे इस सोलर सिस्टम्स का। ये बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्बिट। ऑर्बिट वर्ड का आखिर क्या मीन होता है? तो फ्रेंड्स एक ऐसा पाथ जिसमें से प्लैनेट जो होते हैं वह मूव ऑन होते हैं और सन्स के चारों ओर अपना रिवोल्यूशंस को कंप्लीट कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। यह बात भी आपको जान लेनी है। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, अ प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशंस इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस, ठीक है ना। यह बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए आखिर वन रिवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ जो है वो उसका कितना है, जो अर्थ जो रिवोल्यूशंस करती है सन का वो कितना टाइम होता है, क्या आपको ये पता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यह होता है 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। इतने टाइम में अर्थ जो है सन्स का एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट करती है। यह बात भी आपको जान लेनी है, इसीलिए इसे हम 365 और 366 डेज में हम इसे काउंट करते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण से लीप ईयर जो है वह भी हम जानते हैं, लीप ईयर भी होता है, ठीक है ना। ये बात आपको जान लेनी है, और ये 4 ईयर्स के बाद में ही एक बार होती है। तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज एस्टेरॉइड्स। ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं पहले इसे हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स मार्स एंड जुपिटर
इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में एक बहुत बड़ा ही गैप होता है, ये बात आपको जान लेनी है, ठीक है ना। और इनके बीच में 600 miles और यू कैन से 1000 किलोमीटर में बहुत सारे रॉकी पार्टिकल्स जो हैं वो अराउंडेड होते हैं, ठीक है ना, आपको अच्छे से जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हो। ये जो अराउंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं जो सन के चारों ओर अराउंड किए हुए हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है मार्स एंड जुपिटर के ठीक बीच में इनका जो पोजिशंस है, ठीक है ना। इसमें डस्ट रॉक्स के पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंस होते हैं जिसे हम लोग एस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। और इनका कितना एरियाज होता है, कितना लेंथ होता है, ये जनरली 600 माइल्स और 1000 किलोमीटर्स तक ये स्प्रेड आउट होते हैं स्काइज में, ठीक है ना। और इन्हीं में से बहुत सारे रॉकी पार्टिकल्स जो हैं वो अर्थ के एटमोस्फियर्स में जब एंटर कर जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा एक फ्रिक्शन के साथ वो अर्थ पे आते हैं जिसे हम लोग मेटियोर्स कह रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज मेटियोर्स। ये मेटियोर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो, मेटियोर्स अ स्मॉल बॉडी ऑफ मैटर फ्रॉम आउटर स्पेस दैट एंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर becoming incandescent, ठीक है ना, as a result of frictions and appearing as a streak of light। यह बात भी आपको जान लेनी है। एक small body of matter होते हैं जो outer space से हमारे earth के atmospheres में presence होते हैं, ठीक है ना, वो भी light के साथ। ये light क्यों तैयार होती है, क्योंकि frictions होता है, ठीक है ना, जिसके कारण से streak of light, that means लॉन्ग थिन मार्क, ठीक है ना, उसे हम लोग कह रहे हैं स्ट्रीक। इसके पीछे का रीजंस क्या है, क्यों स्ट्रीक ऑफ लाइट्स होते हैं, क्यों उसमें से स्पार्क और लाइट जैसे और फायर जैसे जो है वो लाइट निकलते हैं। इसके पीछे का रीजंस है एरोडायनामिक हीटिंग। एरोडायनामिक हीटिंग्स के कारण ही उनसे जो है वो लाइट का क्रिएशंस होता है, ये बात भी आपको जान लेनी है। और इनका जो स्पीड्स होता है अर्थ के जब एंटर्स करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर्स में, देन इसका स्पीड होता है 20 किलोमीटर पर सेकेंड, यू कैन से 72,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और मेटियोर्स को ही हम लोग शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, लेकिन ये कोई स्टार्स नहीं है, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज मेटियोराइट। ये मेटियोराइट क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, मेटियोर्स जो होते हैं वह एक तरह का आउटर स्पेस का पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। ये पार्टिकल्स जब अर्थ के एटमोस्फेयर्स में आते हैं तो यह होता है इनमें एक फायर इंक्रीज होती है ड्यू टू फ्रिक्शंस के कारण। बहुत ऐसे जो है पार्टिकल्स हैं फ्रिक्शंस के कारण से क्या होता है, इनमें फायर होती है और इनका इवेपोरेशन हो जाता है, धीरे धीरे ये वैनिश्ड हो जाते हैं और ये अर्थ तक, अर्थ के सरफेस तक ये नहीं आ पाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे मेटियोर्स हैं जो अर्थ के सरफेस तक आ जाते हैं फ्रिक्शंस होने के बाद भी, उनके साथ अर्थ के एटमोसफियर के साथ उनका फ्रिक्शंस होता है, उनके बाद भी ये मेटियोर्स जो हैं वो अर्थ के सरफेस तक आ जाते हैं, प्रेजेंस होते हैं, अर्थ पर आ गिरते हैं, उन्हें ही हम लोग मेटियोराइट कह रहे हैं। आपको ध्यान से समझना है। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, अ मेटियोराइट इज अ सॉलिड पीस ऑफ डेब्रिस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सच एज कॉमेट, एस्टेरॉइड्स और यू कैन से मेटेरॉइड्स दैट ओरिजिनेट्स इन आउटर स्पेस एंड सर्वाइव इट्स passage through the atmosphere to reach the surface of a planet. When the object enters the atmosphere, various factors such as frictions, pressures and chemical interactions with the atmospheric gases causes it to heat up and radiate energy. It then becomes a fireball, also known as shooting stars or you can say falling stars. But definitely you have to remember it is not a star.
ठीक है ना, यह बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स जो होते हैं ये जनरली किसी भी प्लेनेट को उनका रिवोल्यूशंस करते हैं, उसे ही हम लोग सैटेलाइट्स कह रहे हैं। सैटेलाइट्स जो होते हैं यह दो टाइप्स के हो सकते हैं। सैटेलाइट्स एक हो सकते हैं नेचुरल और एक हो सकते हैं आर्टिफिशियल्स। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वे सैटेलाइट हैं जिन्हें अर्थ से क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। ये लॉन्च कहां पर होते हैं, सैटेलाइट का एक स्पेस है जिसे हम लोग ऑर्बिट कह रहे हैं। ये ऑर्बिट एक पाथ है जिससे कोई भी सैटेलाइट किसी प्लेनेट को रिवोल्यूशंस पूरा कंप्लीट करते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण ही हम आज मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन्स, डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स को हम लोग देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। मोबाइल में जिस टावर्स और नेटवर्क का यूजेस किया जाता है, डिफरेंट तरह के वीडियोस, गेमिंग और यू कैन से कॉल के लिए, ठीक है ना, उनके लिए इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ही हम हेल्प ले रहे हैं। इसमें एक वेव का ट्रांसफर होता है, ये बात भी आपको जान लेनी है। और वेव ट्रांसफर्स के कारण ही ये पूरी बातें पॉसिबल हो पा रही हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम हायर के क्लासेस में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नाम। जैसे आप सभी देख पा रहे हो, इनसेट, IRS, ठीक है ना, कल्पना वन, एडुसैट, ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जिन्हें इंडिया से लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, वो भी ISRO से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जनरली सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का भी ये वर्क करती है, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर वन में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, क्वेश्चंस नंबर वन, चूज द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस में, ठीक है ना, और एक जो इसमें से ऑप्शंस है वो करेक्ट है, वो आपको चूज करने हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर वो क्वेश्चंस क्या है। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम्स। तो इनमें से कौन सा है जो सोलर सिस्टम्स का मेंबर नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, नंबर ए एन एस्टेरॉयड, नंबर बी अ सैटेलाइट, नंबर सी ए कॉन्स्टिलेशंस, नंबर डी ए कॉमेट। तो इनमें से कौन सा है जो सोलर सिस्टम का पार्ट या मेंबर नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हो, सोलर सिस्टम्स में जनरली प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है ना, उनके सैटेलाइट्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं, ठीक है ना, ये सभी आते हैं। बट एक चीज यहाँ पर है, कॉन्स्टेलेशंस, कॉन्स्टेलेशंस अ ग्रुप ऑफ स्टार्स वो नहीं आते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स वो सोलर फैमिली के, सोलर सिस्टम्स के मेंबर्स जो हैं वो नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ए कॉन्स्टेलेशंस, नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन होते हैं नंबर टू में, देख ले रहे हैं हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसे आप सभी देख पा रहे हो, चूज द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चंस। आपको एक ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको एक क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना, ठीक जिस तरह क्वेश्चंस वन में हमसे पूछे गए थे। इसमें आपको बताने हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है। इसमें फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, थ्री रॉन्ग है, वन इज करेक्ट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस क्या है चलिए देख ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। तो इनमें से कौन सा है जो सन का प्लैनेट नहीं है, क्या आप बोल पाओगे इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो सन का प्लैनेट जो है वो नहीं है। नंबर ए सीरियस, नंबर बी मर्क्यूरी, नंबर सी सैटर्न, नंबर डी अर्थ। तो अर्थ भी है, सैटर्न भी है, मर्क्यूरी भी है,
लेकिन नंबर ए सीरियस जो है वह नहीं है, वह एक स्टार है जिसे हम लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। दैट इज सीरियस, या एक स्टार है जो कि प्लैनेट नहीं है सन का, ठीक है ना, और ना ही ये सोलर सिस्टम्स का पार्ट है, इसे भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है ना, और देख लेंगे हमसे क्या पूछे गए हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चंस, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको एक क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है ना, उसमें जो आंसर्स हैं वो 4 दिए गए हैं और आपको करेक्ट जो आंसर्स है वो आपको चूज करनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर क्वेश्चंस जो है वो आखिर क्या है। फेजेस ऑफ द मून ऑकर बिकॉज, ठीक है ना, फेजेस जो मून है, मून के जो चेंजेस हो रहे हैं, जो शेप्स हैं, ठीक है ना, जिसे हम फेज कह रहे हैं, तो वह क्यों होते हैं ये आपसे पूछा गया है। और आपके आंसर्स जो हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है ना, इनमें से 3 जो है वो रॉन्ग है और नंबर 1 जो है कोई वो करेक्ट है, तो आपको वो चूज करने हैं करेक्ट ऑप्शंस। तो नंबर ए में कहे गए हैं, वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है ना, तो हम लोग उसी पार्ट्स को देख पाते हैं मून के जिसमें लाइट जो होते हैं रिफ्लेक्ट्स होते हैं और हमारी ओर आते हैं, उस पार्ट्स को हम देख पा रहे हैं, तो उसे ही हम लोग फेजेस ऑफ द मून कह रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग, हमारे साथ यानी हमारे अर्थ के साथ मून का जो डिस्टेंस है वो चेंजिंग होता है, जिसके कारण से फेजेस ऑफ द मून होते हैं, ठीक है, क्या ये आपका आंसर होगा, ठीक है, यानी हमारे जो अर्थ के डिस्टेंस है मून के साथ डिस्टेंस जो है हमेशा चेंज होते हैं, इसके कारण से जो मून के फेज होते हैं, क्या ये करेक्ट है। नंबर सी देख ले रहे हैं, द शैडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून सरफेस, नंबर 3 में जो है जो शैडो है, अर्थ का एक शैडो है जो मून पर बेसिकली जाकर गिरता है, ठीक है ना, तो क्या इसके पीछे का रीजन है जिसके कारण से फेज ऑफ द मून हो रहे हैं, यानी अर्थ बहुत बड़ा है मून से आप जानते हो, इसलिए अर्थ का जो शेडो है ना वो मून पर जाकर सबमिट होता है, तो क्या इसी कारण से फेज ऑफ द मून हो रहे हैं, या फिर नंबर डी ऑप्शंस है द थिकनेस ऑफ द मून्स एटमोस्फेयर इज नॉट कॉन्स्टेंट, जो मून के जो एटमोस्फेयर है, ठीक है ना, उसका थिकनेस जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहने से फेजेस ऑफ द मून हो रहे हैं। इस 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो, फेजेस ऑफ द मून होते हैं बिकॉज, जानते हो आप क्यों होते हैं, क्योंकि वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस, ठीक है ना, इस कारण से फेजेस ऑफ द मून होते हैं। फेजेस ऑफ द मून होने का कारण यही है, जो जो पार्ट्स जो है वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमें देते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण से फेजेस ऑफ द मून हो रहे हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। सम ऑफ द पार्ट्स जो है सनलाइट्स के जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है और हमारे अर्थ की ओर वो सेंड करता है, जो पार्ट अगर मान लो बहुत ही पतला पार्ट है, बहुत ही कम पार्ट है, तो जिसके कारण से मून का शेप बहुत ही एकदम जो सर्कल है बहुत ही थिन लगेंगे, जैसे जैसे लाइट का रिफ्लेक्शंस इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना, जैसे जैसे एरियाज में लाइट जो है वो ज्यादा पड़ने लगेंगे, यानी मून के सरफेस में जैसे सन के लाइट्स जो है वो ज्यादा आने लगेंगे, तो रिफ्लेक्शंस का जो सरफेस एरिया है वह भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना, तो जिसके कारण से हम क्या देख पाएंगे अर्थ से कि जो शेप ऑफ द मून है वो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मान लो पतले थे शेप कहीं पर, क्योंकि वहां पर कम लाइट्स आ रहे थे, रिफ्लेक्ट कम हो रहा था पार्ट्स ऑफ द मून में, इसीलिए हम लोग पतले देख पा रहे थे मून को, जैसे जैसे सरफेस एरिया जो है रिफ्लेक्शंस का वो इंक्रीज होता है, हम लोग देखते हैं अर्थ से जो मून है वो काफी अब धीरे धीरे पूरे शेप में आ रहे हैं, दैट मीन्स थिन से अब थिक हो जा रहे हैं धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग पूरे मून को फुल मून देख पा रहे हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर टाइम्स में टोटल जो है सन से रिफ्लेक्टेड होकर लाइट जो है हमारे अर्थ की ओर आती है, ये बात आपको जान लेनी है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नंबर ए, वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस, ठीक है ना, और नंबर बी जो है आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीपिंग चेंजिंग,
या नहीं होगा पार्ट आप लोगों को जान लेना है, और ना ही नंबर सी जो है वो द शैडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली द पार्ट ऑफ द मून सरफेस, यह भी नहीं होगा, और नंबर डी जो है थिकनेस ऑफ द मून्स एटमोस्फेयर, क्योंकि आप सभी को पता है मून्स में कोई एटमोस्फेयर प्रेजेंस होता ही नहीं है, इसलिए नंबर डी तो होने का कोई चांसेस ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन होंगे फ्रेंड्स नंबर क्वेश्चंस 4 के लिए, देख ले रहे हैं कि आखिर क्वेश्चंस नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं जैसे आप सभी देख पा रहे हो, स्टेटमेंट्स हैं बहुत सारे और वो ब्लैंक्स हैं, आपको वो ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, ठीक है ना। चलिए देख ले रहे हैं नंबर ए में क्या पूछे गए हमसे, द प्लैनेट विच इज फार्देस्ट फ्रॉम द सन इज डैश। जो प्लैनेट है, एक प्लैनेट है आप जानते हो हमारे सोलर सिस्टम्स में सन है, ठीक है ना, और उसके साथ प्लैनेट्स हैं, तो एक ऐसा प्लैनेट जो सन से काफी फार्देस्ट है यानी सबसे फार्देस्ट है, ठीक है ना, वो क्या है, तो वह है नेपच्यून, आप सभी को पता है, तो हम लोग लिखेंगे नेपच्यून। आप सभी को पता है कि सन से हमारे सोलर सिस्टम्स में 8 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स नहीं है फ्रेंड्स, याद रखनी है 8 प्लैनेट्स हैं, सबसे फार्देस्ट है नेपच्यून, ठीक है ना, तो आप लिखोगे नेपच्यून, जैसे आप सभी आंसर शीट्स में भी देख पा रहे हो नेपच्यून इज द आंसर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज डैश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, एक ऐसा प्लैनेट जो हमें रेडिश जैसा हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा प्लैनेट है, तो फ्रेंड्स आप जान लो जो रेडिश प्लैनेट है ना वो है मार्स। मार्स को ही हम रेडिस प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं तो आप लिखोगे डेफिनेटली मार्स लिखोगे, और ब्लू प्लैनेट कौन है, ब्लू प्लैनेट है हमारा अर्थ, और येलो प्लैनेट कौन है ये बात भी आपको जान लेनी है, येलो जो प्लैनेट है उसे हम लोग कहते हैं जुपिटर को, हम लोग कहते हैं येलो प्लैनेट, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको कुछ बातें हैं जो आपको जान के रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन हम लोग मूव ऑन होंगे क्वेश्चंस सी में, चलिए देख ले रहे हैं क्या पूछा गया है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज अ डैश। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है ना, जो अपीयर होता है एक पैटर्न्स में, स्पेसिफिक पैटर्न्स में वो अपीयर होता है स्काईज में, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, याद रखना है ग्रुप ऑफ स्टार्स को ऑलवेज जो स्पेसिफिक पैटर्न को क्रिएट करते हैं उसे हम लोग कॉन्स्टिलेशंस के नाम से जानते हैं, आप सभी को इसे अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उसे हम लोग कह रहे हैं कॉन्स्टिलेशंस। तो कॉन्स्टिलेशंस जो हो रहे हैं डेफिनेटली इनका एक प्रॉपर शेप्स होता है, ठीक है ना, और बहुत सारे मिथ्स हैं हम लोग के, हिंदू के मिथ है जिसे हम लोग जोडाइक साइंस के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना, इनका एक डेफिनेट शेप्स के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन होंगे और देख लेंगे डी में हमसे क्या पूछे गए हैं, अ सेलेस्टियल्स बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज डैश। एक सेलेस्टियल्स बॉडी है, ठीक है ना, जो रिवॉल्व करता है प्लैनेट के चारों तरफ, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, तो आपको फ्रेंड्स याद रखनी है कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी सेलेस्टियल्स बॉडी है जो किसी प्लेनेट के अराउंड में मूव ऑन करते हैं उससे हम लोग सैटेलाइट्स कहते हैं, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेनी है। जनरली सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं जिसे हम लोग सैटेलाइट कह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लिखोगे सैटेलाइट जो होते हैं वो जनरली एक ऐसा सेलेस्टियल्स बॉडी है जो रिवॉल्व करता है किसी भी प्लेनेट के चारों ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चंस नंबर ई में हमसे क्या पूछे गए हैं, आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस नंबर ई, शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट डैश। शूटिंग्स जो स्टार्स होते हैं ना फ्रेंड्स वो नहीं होते हैं स्टार्स, ये बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब है कि शूटिंग स्टार्स जो होते हैं इसके पीछे का क्या कारण है कि शूटिंग स्टार्स को हम लोग स्टार्स नहीं कहते हैं, तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हो कि शूटिंग जो स्टार्स होते हैं ना वो जनरली मेट्योराइट होते हैं, और मेट्योराइट क्या होता है, मेट्योराइट हमारे इस जितने भी स्पेस है ना, हमारे इस बहुत बड़े स्पेसेस में जो डेब्रिज होते हैं, ठीक है ना, जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं शूटिंग स्टार्स, जब वो अर्थ के एटमोस्फियर्स में बहुत ही फास्ट मूव ऑन होते हैं, एंटर करते हैं ना, तो क्या होता है उनमें डेफिनेट तरह का
केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें फ्रिक्शंस होता है जिसके कारण से लाइट जो है वो हमें दिखाई देती है। बहुत ऐसे टाइम्स होते हैं ना जब हमें मेटियोराइट जो है वो अर्थ के सरफेस से फ्रिक्शंस होने के बाद भी वो वैनिश्ड नहीं होते हैं, वो अर्थ पर आ जाते हैं, जिसे हम लोग मेटियोराइट्स कह रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपको ये जान लेनी है, शूटिंग स्टार्स इज ऑल्सो नोन एज फॉलिंग स्टार्स। ये जनरली मेटियोराइट्स होते हैं जो एक तरह के रॉक होते हैं, ठीक है ना, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स। तो आपको लिखनी है शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट स्टार्स, ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट वन में हमसे क्या पूछे गए हैं, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ डैश एंड डैश। तो फ्रेंड्स आपको यह बात भी जान लेनी है कि आखिर हमारे जो सन है ना, जो हमारा सोलर फैमिली है, उसमें सन्स प्रेजेंस है और 8 प्लैनेट्स जो हैं इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्रेजेंस हैं, ठीक है ना। तो एस्टेरॉइड्स उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से एक है जो किसी ऑर्बिट में, डेफिनेट ऑर्बिट में वो प्रेजेंस रहता है और किसी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस में ही ये प्रेजेंस होते हैं। जनरली बहुत इसके नंबर्स जो उस पार्टिकुलर डिस्टेंस में प्रेजेंस होते हैं। तो ये कौन सा जगह है जहां पर ये सबसे ज्यादा प्रेजेंस होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको जान लेनी है, एस्टेरॉइड्स जो काफी पाए जाते हैं, काफी अमाउंट्स में पाए जाते हैं, वो है मार्स एंड जुपिटर्स। ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं ना, इनके बीच में पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स, और यही एस्टेरॉइड्स बहुत टाइम ऐसे होते हैं जो कभी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, जिसे हम लोग शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जान रहे हैं, फॉलिंग स्टार्स के भी नाम से जान रहे हैं, काफी फास्ट में होते हैं। और बहुत सारे एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो कॉमेट्स से भी ये आ जाते हैं हमारे अर्थ में, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन होंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चंस नंबर 5 में देख लेंगे हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स एफ, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट्स फॉल्स है। अगर ट्रू है तो टी मार्क करनी है, अगर फॉल्स है तो एफ मार्क करनी है। तो चलिए देख ले रहे हैं आखिर वो स्टेटमेंट्स आखिर क्या है। पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, क्या ये ट्रू है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आप बात ये जान लो कि पोल स्टार जो है वो हमारा सोलर सिस्टम्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स, इसीलिए आप लिखोगे फॉल्स, ठीक है ना। आप जान लो फ्रेंड्स, जो हमारा जो सोलर फैमिली है ना, उसमें स्टार्स जो है वो डेफिनेट रूप में एक ही है, ठीक है ना, और वो सेंटर्स में प्रेजेंस है हमारे सोलर सिस्टम्स के, जिसे हम लोग सन कह रहे हैं, ठीक है ना, और कोई भी कॉन्स्टेलेशंस जो है वो प्रेजेंस नहीं होते हैं हमारे इस सोलर सिस्टम्स के मेंबर्स में, प्रेजेंस नहीं है, ठीक है ना। पोल स्टार भी प्रेजेंस नहीं है हमारे इस सोलर सिस्टम्स में, इसीलिए ये फॉल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन हम लोग देख लेंगे, मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम्स, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ट्रू है, मर्क्यूरी जो है हमारे सोलर सिस्टम्स का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन मूव ऑन होंगे हम लोग क्वेश्चंस नंबर 6 के लिए, देख ले रहे हैं क्या पूछा गया है हमसे। यूरेनस इज द फार्देस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम्स, ये जो यूरेनस है, ठीक है ना, क्या ये फार्देस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम्स के? तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल तरह से रॉन्ग है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम्स में यूरेनस जो है सबसे फार्देस्ट नहीं है। यूरेनस से भी जो है एक प्लैनेट है जो यूरेनस से भी दूर है, उसे हम लोग नेपच्यून कह रहे हैं। आपने कुछ देर पहले ही पढ़ा इसके बारे में ना क्वेश्चंस में, कि नेपच्यून जो है हमारे सोलर फैमिली का सबसे फार्देस्ट प्लैनेट है, ठीक है ना, यूरेनस नहीं है फ्रेंड्स, आपको याद रखनी है। तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स होगा, यूरेनस वाला, ठीक है ना, यानी नंबर सी वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट वन नंबर डी, इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या ये करेक्ट है, क्या ये रॉन्ग है? तो फ्रेंड्स आप जान लो, इनसेट जो होते हैं, ठीक है ना,
ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है, अपने वीडियोस में भी पढ़ा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इनसेट जो होते हैं ये एक तरह का सैटेलाइट्स है जो इसरो, ठीक है ना, यानी हमारे इंडिया में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, स्पेस के लिए, वो इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि आखिर क्वेश्चंस नंबर ई में हमसे क्या पूछे गए हैं। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम्स, हमारे इस सोलर सिस्टम्स में क्या 9 प्लैनेट्स हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है? तो फ्रेंड्स आपको जान लेनी है कि हमारे सोलर सिस्टम्स में 9 नहीं है प्लैनेट्स, वो है ओनली 8, ठीक है ना, आप लिखोगे ओनली 8 प्लैनेट, तो यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल रॉन्ग है, आप जान लो ये फॉल्स है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टेलेशंस ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप। जो ओरियन जो कॉन्स्टेलेशंस है ना फ्रेंड्स, यानी ओरियन जो ग्रुप्स ऑफ स्टार्स है, क्या उसे हम ओनली टेलीस्कोप के हेल्प से ही उसे देख पाते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, बहुत ऐसे कॉन्स्टेलेशन हैं जिसे हम लोग नेक्ड आई से भी देख पाते हैं, लेकिन कंडीशंस होनी चाहिए, आपका स्काई जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, पॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए, और साथ में मून जो है फुल मून प्रेजेंस नहीं होना चाहिए आपके स्काई में, देन आप इजिली देख पाओगे, ठीक है ना, कि कॉन्स्टेलेशन ओरियन को, ये बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं, जैसा आप सभी देख पा रहे हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद वन और मोर आइटम्स इन कॉलम बी। तो फ्रेंड्स आपको कॉलम ए में ना कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके साथ आपको मैचिंग करनी है, कॉलम्स बी में भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है ना, तो ये जो वर्ड्स आपको मैचिंग करनी है, हो सकता है एक के साथ आपको मैचिंग करनी है, या फिर हो सकता है कि आपको एक ही वर्ड्स के लिए जो कॉलम ए में प्रेजेंस है उनके लिए कॉलम बी में वन से ज्यादा वर्ड्स हैं जिसके साथ वो मैचिंग होते हैं, तो आपको उससे आपको सॉर्ट आउट करनी है, आपको करेक्ट जो है वो मैचिंग करनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेना सबसे पहले कि आखिर कॉलम ए में आखिर वो वर्ड्स क्या है, ठीक है ना, जैसा आप सभी देख पा रहे हो इनर प्लैनेट्स क्या है, नंबर 2 आउटर प्लैनेट्स, नंबर 3 कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है ना, नंबर 4 सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, नंबर 4, और साथ में हम लोग देख लेंगे कॉलम बी में कौन से वर्ड्स हैं, सैटर्न, पोल स्टार, ग्रेट बियर, मून, अर्थ, ओरियन, मार्स, ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो बी में है, ठीक है ना, और नंबर ए में कॉलम्स में कुछ वर्ड्स हैं, मैचिंग करनी है परफेक्टली आपको। चलिए देख ले रहे हैं इस क्वेश्चंस के आंसर्स आखिर कैसे होगा, जैसा आप सभी देख पा रहे हो इनर प्लैनेट्स। तो फ्रेंड्स आप सभी को जाननी चाहिए इनर प्लैनेट्स जो है हमारे सोलर सिस्टम्स में वो 4 हैं, ठीक है ना, मर्करी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, ये हमारा इनर प्लैनेट्स में ये 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो 4 प्लैनेट्स हैं उसे हम लोग आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, तो इनर प्लैनेट्स में हमें फाइंड आउट करनी है अर्थ को और मार्स को, आप देख पा रहे हो नंबर ई में अर्थ है और नंबर जी में मार्स है, तो ये दोनों जो है वो इनर प्लैनेट्स में लिखे जाएंगे। नंबर 2 आउटर प्लैनेट्स कौन है, तो आउटर प्लैनेट्स में मैंने जैसा कहा इन 4 को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी जो रिमेनिंग 4 है उसे हम लोग आउटर प्लैनेट्स में काउंट करते हैं, तो उसमें है सैटर्न भी, ठीक है ना, तो सैटर्न को हम लोग देख लेंगे, सैटर्न है, जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, आप सभी को पता है ये 4 जो है वो आउटर प्लैनेट्स हैं, तो सैटर्न यहां पर है प्रेजेंस, तो सैटर्न को हम लोग ले लेंगे नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट वन मूव ऑन होंगे 3 में कौन से वर्ड है, आप देख पा रहे हो कॉन्स्टेलेशंस, तो कॉन्स्टेलेशंस जो है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, वो है ग्रेट बियर और ओरियन, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं आप सभी को पता है, और सैटेलाइट ऑफ द अर्थ ये है मून, आप सभी को पता है हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है वो है मून, ठीक है ना, और मार्स के पास लेकिन 2 सैटेलाइट है, ठीक है ना, फोबोस और डिमोस, आप सभी को पता है,
ये दो सैटेलाइट हैं जो मार्स के पास प्रेजेंस हैं, और हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। नेक्स्ट वन, क्वेश्चंस नंबर 7 में देख लेंगे हमसे क्या पूछे गए हैं। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वेनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछे गए हैं कि आखिर स्काई में, ठीक है ना, क्या आप फाइंड आउट कर पाओगे वेनस को यदि वो विजिबल हो रहे हैं एज अ इवनिंग स्टार के फॉर्म में। आप ये सभी जान लो, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हम वेनस को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो इवनिंग स्टार के टाइम ये स्काई के कौन से पार्ट्स में ये प्रेजेंस होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। मतलब ये कौन से डायरेक्शंस में प्रेजेंस होते हैं। तो आप सभी जानते हो इवनिंग जो होते हैं कैसे होते हैं, किस साइड्स में जो सन है वो सनसेट होते हैं। तो आप सभी जानते हो सन जो है वो राइज होते हैं ईस्ट में और वो वेस्ट में सनसेट हो जाते हैं, जैसा आप सभी को पता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है ना वो रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की ओर, इसीलिए जितने भी सारे हम ऑब्जेक्ट्स हैं जनरली सन को हम देखते हैं वो राइजेस होते हैं ईस्ट से और सनसेट हो जाते हैं वेस्ट से। तो वेस्ट में अगर सनसेट्स होंगे इवनिंग के टाइम, तो हमारा इवनिंग जो स्टार है वो हमें वेस्ट डायरेक्शंस में ही हम उसे देख पाएंगे। और मॉर्निंग स्टार्स भी हम वेनस को कह रहे हैं, तो मॉर्निंग स्टार्स जो है आप देख पाओगे ईस्टर्न जोन में, ठीक है ना, यानी ईस्ट डायरेक्शंस में। ये बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है। आप लिखोगे वेनस बिकम विजिबल आफ्टर सनसेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, ठीक है ना। वेनस जो होते हैं वो विजिबल होते हैं कब होते हैं, जब सनसेट हो जाते हैं, उस टाइम्स हम इन्हें देख पाते हैं वेनस को, जिसके कारण से हम इन्हें इवनिंग स्टार्स कह रहे हैं। इट अपियर्स इन द वेस्टर्न हॉरिजन्स, वेस्टर्न हॉरिजन्स में ये हमें दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर 8 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप सभी देख पा रहे हो क्वेश्चंस नंबर 8, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम्स। तो हमारे इस सोलर सिस्टम्स में सबसे लार्जेस्ट जो प्लैनेट है उसके बारे में आपको बताना है वो कौन है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हो जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम्स का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम्स, ये बात आपको लिखनी है सबसे पहले आंसर्स में, और साथ में आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी देने हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300, दैट मीन्स 1300 अर्थ, याद रखना है 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जाइंट प्लैनेट। वो बहुत ही जाइंट प्लैनेट है, बहुत ही बड़ा प्लैनेट है फ्रेंड्स, जिसमें 1300 अर्थ जो है वो प्लेस्ड हो सकते हैं। इतना बड़ा उसका वॉल्यूम होता है, इतने ही बड़े वो होते हैं, ठीक है ना। हाउएवर द मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट आवर अर्थ, और जो मास है वो जुपिटर का है 318 टाइम्स जो हमारे अर्थ का है, ठीक है ना। ये बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स हम लोग मूव ऑन होंगे क्वेश्चंस नंबर 9 के लिए, देख लेंगे हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है ना, नेम एनी टू कॉन्स्टिलेशंस, कॉन्स्टिलेशंस क्या है, और इसके दो एग्जांपल्स आपको बताने हैं, दो नेम बताने हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हो कॉन्स्टिलेशंस जो है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है ना, और मिथ में हमारे हिंदू के माइथोलॉजीज में इसे एक डेफिनेट नेम्स भी कहा जा रहा है, जिसे हम लोग हिंदी में राशियां कहते हैं, ठीक है ना, और इनका एक पार्टिकुलर नेम्स भी होता है। बहुत सारे कॉन्स्टिलेशंस हैं जिनका अलग अलग नाम भी होता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग जोडाइक फॉर्म्स भी कह रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि आखिर कॉन्स्टिलेशंस को हम कैसे राइट डाउन करेंगे और क्या होंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ
रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन। जैसा आप सभी को पता है स्टार्स का एक ग्रुप जिसे एक स्पेसिफिक उनका शेप होता है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम उसे, उसे हम लोग कह रहे हैं कॉन्स्टेलेशन। एग्जाम्पल्स क्या है? ग्रेट बियर, ओरियन, ठीक है ना, कैसोपिया एंड लियो मेजर। ये फोर आपको दिए गए एग्जाम्पल्स में आपको टू लिखने हैं, आप फोर लिख दो, ठीक है ना। अगर आप ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो, ठीक है ना, याद रखने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन हम लोग मूव ऑन होंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, देख लेंगे हमसे क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चंस हैं ड्रॉ स्केचेस टू शो द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स इन, ठीक है ना, आपको दो स्टार्स के पोजीशंस को बताने हैं, ठीक है ना। जैसा आप सभी देख पा रहे हो आपको स्केचेस को भी ड्रॉ करने हैं और उनके पोजीशंस को रिलेट करना है, ठीक है ना। तो जो दो स्टार्स हैं वो क्या है? नंबर ए है अर्सा मेजर, नंबर बी है ओरियन, ठीक है ना। तो ये दो हैं जिनको हमें शो करने हैं। जैसे आप सभी देख पा रहे हो इस तरह से स्टार्स हैं और आपको इस तरह से रिलेट करनी है, ठीक है ना, ये आप देख लो। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपकी बुक से ही पूछे गए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको अच्छे से देख लेना है कि स्टार्स के जो पोजिशन है वो कैसे हैं, ठीक है ना, कैसा वो एक डायग्राम को क्रिएट करते हैं। आप देख पा रहे हो दो अलग अलग हैं और दोनों का जो डायग्राम है वो बिल्कुल अलग है, स्टार्स का पोजीशंस अलग है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग है। आप देख पा रहे हो ओरियन के लिए भी और सब मेजर के लिए भी। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन होंगे क्वेश्चंस नंबर 11 में, हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो फ्रेंड्स, नेम टू ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स। तो आपको ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के फ्रेंड्स नाम बताने हैं, ठीक है ना, प्लैनेट्स को छोड़कर, ठीक है ना, जो सोलर सिस्टम्स के मेंबर्स हैं। तो वो क्या है चलिए जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि सोलर सिस्टम्स में प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉयड्स हैं, मेटियर्स हैं, ये जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जिसे प्लैनेट जो है जिसे हम लोग सोलर सिस्टम्स में इंक्लूड करते हैं। ये सभी सोलर सिस्टम्स के ही मेंबर हैं। अगर प्लैनेट को हम लोग छोड़ दें तो आपका आंसर क्या होगा? कॉमेट्स आप लिखोगे, एस्टेरॉयड्स लिखोगे, मेटियर्स आप लिखोगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये थ्री अगर आप लिख दो तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चंस नंबर 12 में हमसे क्या पूछे गए हैं। एक्सप्लेन हाउ कैन यू लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर। अर्सा मेजर्स के हेल्प से आप कैसे पोल स्टार को लोकेट करोगे ये आपको एक्सप्लेन करनी है। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो इसके लिए आपको एक डायग्राम जो है वो क्रिएट करनी है। जैसा आप सभी देख पा रहे हो अर्सा मेजर्स, वो अर्सा मेजर्स का टोटल मैप है, ठीक है ना, डायग्राम है, देख पा रहे हो लोकेशंस ऑफ द स्टार्स हैं, ये हैं जहां पर लास्ट ए और बी जो पॉइंट है ना वहां से आपको एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल वर्टिकल है और इसके ही ठीक 5 times आपको ड्रॉ करनी है, 4 to 5 times। तो देन जो आप पोजिशन आपका होगा वो पोल स्टार का होगा और पोल स्टार्स जो है वो हमें मूव अवेबल जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। क्यों मूव जो है करते हुए नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारे जो अर्थ है ना ठीक उसके एक्सिस पॉइंट्स के अवब डायरेक्शंस में ही उनका पोजीशंस होता है, इसीलिए पोल स्टार्स को जनरली हम मूव होते हुए नहीं देख पाते हैं। और मोस्ट ऑफ द ऐसे भी प्लेसेस हैं हमारे अर्थ में जहां से पोल स्टार्स जो है वो नहीं दिखाई देते हैं, वो है साउदर्न हेमिस्फीयर के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो साउदर्न हेमिस्फीयर के कुछ पार्ट्स हैं जहां से पोल स्टार जो है वो नहीं दिखाई देते हैं, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पोल स्टार जो है वो दिखाई देते हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कि आखिर हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है। लुक एट द टू स्टार्स, ठीक है ना, जैसा मैंने कहा मार्क्ड ए एंड बी इन द फिगर, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ
अर्थ अ मेजर, ठीक है ना, देख पा रहे हो आप. इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस स्टार्स, एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन फ्रॉम ए टू बी टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शंस, दैट द डायरेक्शंस विल बी नॉर्थ डायरेक्शंस. यू हैव टू रिमेंबर फ्रेंड्स, ठीक है ना, जो डायरेक्शंस हम ए और बी के पॉइंट्स को ले जाएंगे इमेजिनरी लाइन को और भी फॉरवर्ड करते हुए, वे हमारा डायरेक्शंस होगा नॉर्थ का, ठीक है ना. अबाउट फाइव टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स, ये जो टू स्टार्स हैं आप देख पा रहे हो पॉइंट ए एंड बी, इसके अगर हम फाइव टाइम्स करें तो डेफिनेटली आप देखोगे इतना ही आपका डिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस क्रिएट होगा. तो इतना ही डिस्टेंस में आप देख पाओगे कि जो जो पोजीशंस है स्टार्स का, पोल स्टार्स का, वो ऐसा ही डिस्टेंस में है कुछ, ठीक है ना. दिस लाइन विल लीड टू अ स्टार विच इज नॉट टू ब्राइट, ठीक है ना, वो लेकिन ब्राइट नहीं है ज्यादा, ठीक है ना. दिस इज द पोल स्टार, जिसे हम लोग पोल स्टार कह रहे हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है. तो अर्सा मेजर्स से बिल्कुल रिलेट करते हुए विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर्स यू कैन इजीली फाइंड आउट द पोजीशंस ऑफ पोल स्टार्स, जैसा मैंने आपको इस क्वेश्चंस का आंसर्स में भी बताए, ठीक है ना फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो. तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग मूव ऑन होंगे क्वेश्चंस नंबर 13 के लिए, देख ले रहे हैं हमसे क्या पूछा गया है. जैसा आप सभी देख पा रहे हो, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन, क्या जितने भी सारे स्टार्स हैं ना स्काईज में, क्या वो मूव करते हैं, ठीक है ना, आपको एक्सप्लेन करने हैं. जो भी आपका आंसर है यस है तो यस, और उसको एक्सप्लेन करने हैं, अगर नो है तो भी उसको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स ऐसा आप सभी देख पा रहे हो, ऑल द स्टार मूव्स इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो आपको ये बात जान लेनी है, जितने भी सारे स्टार्स हैं स्काईज में वो सभी मूव होते हैं, ठीक है ना, वो भी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर, ठीक है ना. अर्थ rotates about its axis and the polar star, ठीक है ना, पोल स्टार, जैसा मैंने कहा कुछ देर पहले, अर्थ जो है वो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पर, ठीक है ना, और जो पोल स्टार जिसे हम लोग कह रहे हैं, और एक्सिस के ही बिल्कुल आप देख पाओगे, एक्सिस से बिल्कुल जो है वो लॉन्गिट्यूड में आप देख पाओगे परपेंडिकुलर उसका हाइट्स है, जहां पर हम पोल स्टार्स को देख पा रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इजिली दिखाई देते हैं हमें, जैसा मैंने कहा, which is situated in the directions of the earth's axis, earth ke axis mein unka presence hota hai pole star ka, theek hai na. It does not appear to move, ye appear jo hote hain nahi hote hain, move jo hai wo nahi hote hain, yani inka jo hai move hote hue aap nahi dekh paoge ise aap, kyun iske piche ka reasons kya hai, jaisa maine kaha kyunki earth ke axis ke bilkul upright directions mein ye presence hote hain, theek hai na, isliye hum ise move on hote hue nahi dekh pate hain, ye move nahi hota hai aisa hame appear lagta hai, theek hai na. To friends chaliye dekh le rahe hain aakhir questions number 14 mein humse kya puche gaye hain, aap sabhi dekh pa rahe ho questions number 14, why is the distance between stars expressed in light years, ठीक है ना, आपसे पूछे जा रहे हैं कि stars के बीच में जो distance है ना friends, वो lights year में क्यों expressed किए जाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना. And what do you understand by the statement that a star is 8 light years, ठीक है ना, याद रखने हैं आपको 8 light years away from the earth, ठीक है ना. तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस का आंसर्स बताने हैं, यानी एक ही क्वेश्चंस में आपको दो तरह के क्वेश्चंस हैं. पहला है आपका कि आखिर लाइट ईयर हम क्यों एक्सप्रेस करते हैं जब हम दो स्टार्स के बीच के डिस्टेंसेस को हम मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है ना. और नंबर टू है कि आखिर 8 लाइट ईयर्स अगर कहा जाए कि किसी भी स्टार्स का जो गैप है डिस्टेंसेस है, ठीक है ना, अर्थ से किसी स्टार्स का वो 8 लाइट ईयर्स का है, तो इससे आप क्या समझते हो वो आपको बताना है. तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हो कि ये लाइट ईयर्स जो है वो डिस्टेंस को मेजरमेंट ही करने का यूनिट है,
ये बात आपको जान लेनी है। जैसा आप सभी जानते हो, सेंटीमीटर्स हैं और मीटर्स हैं, इंचेस हैं, किलोमीटर्स हैं, मीटर्स हैं, इन सभी के हेल्प से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है ना, आप सभी को पता है। बट जब भी डिस्टेंसेस जो होते हैं वो किलोमीटर्स में जब होते हैं, यानी हमारे इस अर्थ पे जब हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, मान लो किसी वन कंट्री से अनदर कंट्री, वन सिटी से अनदर सिटी, देन तब हम किलोमीटर्स में ही करते हैं। जब लेकिन जब हम लोग ऐसे पोजीशंस में आ जाते हैं, जैसे मान लो अर्थ से किसी स्टार्स के बीच का गैप और डिस्टेंसेस, सो दैट पर्टिकुलर प्लेसेस में हम लोग यूज करते हैं लाइट ईयर का, क्योंकि अगर हम किलोमीटर्स में यूज करें तो काफी किलोमीटर्स हो जाएंगे और दैट किलोमीटर्स को हम प्रोनाउंसिएशंस भी नहीं कर पाएंगे, इतने किलोमीटर्स हो जाएंगे, इसीलिए हम यूज करते हैं लाइट ईयर का। लाइट ईयर्स में बहुत किलोमीटर्स जो है वो एक साथ शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जिसे हमें जानना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसीलिए लाइट ईयर्स का यूज जो है वो जनरली स्टार्स के बीच का जो गैप है डिस्टेंसेस को बताने के लिए हम लोग लाइट ईयर्स को ही मेंटेन करते हैं, उसे ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो हमारे अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है ना, वह है 15 करोड़ किलोमीटर्स। ये बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि आखिर हमारे इस अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, वो भी किलोमीटर्स में ही होता है, लेकिन जब डिस्टेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो हम लाइट ईयर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे देना है। आप सभी देख पा रहे हो, स्टार्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। जो स्टार्स जो प्रेजेंस होते हैं अर्थ से, वो मिलियंस किलोमीटर्स में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है ना। दस दिस लार्ज डिस्टेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स, इसीलिए इतने लार्ज डिस्टेंसेस जो होते हैं वो लाइट ईयर में एक्सप्रेस किए जाते हैं। वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वन ईयर। वन ईयर में किसी लाइट के द्वारा जो तय किया गया जो दूरी है, डिस्टेंस है, कोई भी लाइट जब एक साल तक चलती हुई जितने भी डिस्टेंस को करती है पार, उसे ही हम लोग कहते हैं वन लाइट ईयर। ये बात भी आपको जान लेनी है। और लाइट का जो स्पीड है वो आप सभी जानते हो कितना होता है, ठीक है ना, और इस तरह से सेकंड्स में कितना होता है, अपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे लाइट्स और साउंड्स के कितने डिस्टेंसेस होते हैं पर सेकंड्स में, ठीक है ना, जिसके कारण से थंडर्स जो है, थंडर्स में हमें कुछ डिफ्रेंशिएट नजर आया था, याद होगा आपको, रिकॉल करनी चाहिए आपको। तो वहां पर वन सेकेंड्स में लाइट कितने ट्रेवल करते हैं, यहां पर लाइट ट्रेवल कर रहा है वन ईयर में जितना डिस्टेंस, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वन ईयर, ठीक है ना। बहुत सारा जो है वो किलोमीटर्स होता है। वन लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10^12 किलोमीटर। आप लोग ये बात जान लो और अच्छे से जान लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10^12 किलोमीटर, ये लाइट्स के द्वारा तय की गई दूरी इन वन ईयर में है। इतने किलोमीटर जो है वो लाइट जो है वन ईयर में ट्रेवल करता हुआ तय करता है, ठीक है ना। अब है कि इफ अ स्टार इज 8 light years अवे फ्रॉम द अर्थ, अगर मान लो कोई स्टार्स है जो अर्थ से उसका डिस्टेंसेस है 8 light years, तो जनरली एक 1 light years में इतना मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दो आप, तो इजीली निकल जाएंगे। तो इफ अ स्टार इज 8 light years अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो, देन इट मीन्स दैट द टाइम टेकन बाई लाइट टू ट्रेवल इन 8 years, ठीक है ना। तो सो द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ इज गिवन बाई, आप देख पा रहे हो, इसलिए क्या होंगे, जो द डिस्टेंस इज बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ इज गिवन बाय 8, जैसा मैंने कहा, फिर आप एक ब्रैकेट दोगे स्मॉल, जिसमें आप लिखोगे 9.46 इंटू 10^12 किलोमीटर इक्वल्स टू, आप करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 7.6, ठीक है ना, इंटू
10^13 किलोमीटर, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो इतना डिस्टेंसेस आपके होंगे। और आपको यह बात भी जान लेनी है, क्या जब भी हम लोग 10 पर स्क्वायर्स करते हैं इसका क्या मीन होता है? आपको पता है कि 10 पर जब भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हम लोग इसका क्या मीन होता है? इसे अगर हम इजी वे में समझें तो क्या होगा, 100 होता है। दैट मीन्स आप सभी जानते हो यहां पर 1 है ना, 1 के साइड्स में 2 जो है वो 0 आकर बैठ जाते हैं, ठीक है। वहीं 10 पर जब क्यूब होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है जनरली 1 पर 30 आ जाते हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? इसी तरह किसी भी जगह पर ये जो दिए गए हैं ना, ठीक है ना, 10^12 किलोमीटर, आप देख पा रहे हो यहाँ पर 10^12 किलोमीटर, दैट मीन्स आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, इतने सारे नंबर्स हैं, ठीक है ना, यानी 1 पर 12 times 0 जो है वो बैठेंगे, रेस्ट होंगे, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया इस एग्जांपल के हेल्प से, आप समझ पा रहे हो कितना वो डिस्टेंस होगा, हम उसे किलोमीटर्स में काउंट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग हेल्प लेते हैं लाइट ईयर्स का। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर 15 में हमसे क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चंस नंबर 15, द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, जो रेडियस है जुपिटर का, ठीक है ना, वो 11 टाइम्स, ठीक है ना, अर्थ के रेडियस से ज्यादा है, ठीक है ना, ये बात आपको जान लेनी है। और देन पूछा गया है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ जुपिटर एंड द अर्थ, ठीक है ना। अब आपको कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो, जुपिटर के वॉल्यूम्स का रेशियो के साथ अर्थ के वॉल्यूम्स का रेशियो कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, एंड हाउ मेनी अर्थ्स कैन जुपिटर एकोमोडेट, वो आपको बताने हैं। और बताने हैं कि आखिर एक जुपिटर में कितने सारे अर्थ एकोमोडेट हो सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, तो आप सभी जानते हैं कि आखिर ये रेडियस क्या होता है, ठीक है ना, क्या होते हैं डायमीटर, ये आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, आपने मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में आपने इन सभी के बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमें जान लेना है जुपिटर के रेडियस के बारे में और अर्थ के रेडियस के बारे में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हो, ठीक है ना, ये जो अर्थ है ना, ये एक स्फीयर का ही फॉर्म है, ये एक 3D शेप्स है, आप सभी जानते हो ज्योमेट्री में 2D शेप्स एंड 3D शेप्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है ना, ये एक 3D शेप्स है, ये बात भी आपको जान लेनी है। तो किसी भी स्फीयर का जो 3D शेप्स में है, ठीक है ना, उसके वॉल्यूम्स जो हैं वो कैसे निकलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या आपको पता है, क्या रिलेशंस होते हैं, वो फॉर्मूला भी कैसे निकलते हैं आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हो किसी भी स्फीयर्स का जो वॉल्यूम्स है वो होते हैं 4/3 πr³, ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम्स को निकालने के लिए, ठीक है ना। साथ में आप जानते हो कि स्फीयर्स के सरफेस जो होते हैं उसका भी एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग 4πr² कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें सरफेस एरिया पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर का, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हो अगर हम मान लें कि अर्थ का जो रेडियस है वो r है, मान लो, ठीक है ना, वो ओनली r है क्योंकि नहीं दी हुई है, तो हम मान ले रहे हैं आर है, तो उसके 11 टाइम्स है कौन, जुपिटर के रेडियस, दैट मींस 11 आर, ठीक है ना। अगर अर्थ का रेडियस है आर तो उसके 11 टाइम्स यानी आर मल्टीप्लाइड बाय 11 आर जुपिटर, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला जो जिसके कारण से मैंने कहा कि किसी भी स्फीयर्स के वॉल्यूम को कैसे हम निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला को हम पुट करते हैं, ठीक है ना, देन हम इनके वैल्यू को हम पुट करेंगे, देन इजीली निकल जाएगा कि क्या होंगे रेशियोज, क्या होंगे वॉल्यूम्स। तो फ्रेंड्स ऐसा आप सभी देख पा रहे हो, इसके लिए हमें
सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर जो है वो ऐसे लिखना है जैसा आप सभी देख पा रहे हो. लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी आर, ठीक है ना, सो द रेडियस ऑफ जुपिटर बी 11 आर, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो 11 आर, अर्थ का आर है और जुपिटर का 11 आर, ठीक है ना. तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अब लिखोगे बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ये आपको लिखने हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर में आप लिखोगे 4/3 πr³, आप देख पा रहे हो, और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ में लिखोगे 4/3 πr³. क्यों 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 लिखोगे दोनों में, क्योंकि दोनों स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, इसलिए हमने सेम लिखा, ठीक है. हम लोग सिर्फ क्या किए, आर जो हमने माना था अर्थ के लिए वो हमने आर ही रखे, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो उस जगह पर आर ही रखे. वहीं पर दूसरी तरफ हमने जुपिटर्स के लिए 11 टाइम्स लिए थे, दैट मीन्स 11 आर ना, तो यहां पर हमने 11 आर किए हैं. तो फिर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो निकलता है 1331/1, आप देख पा रहे हो 1331/1, यानी 1331/1, ये होता है आपका टोटल आंसर्स. अगर इसे हम रेशियो में चेंज करें तो हो जाएगा क्या, 1331:1, ठीक है ना, आप जानते हो इसे, ये बिल्कुल इक्वल है 1331/1 और 1331/1, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल्स ही हैं, ये बात भी आपको जान लेनी है. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, चलिए देख ले रहे हैं. सिंस द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इज 1331:1, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो ये वॉल्यूम्स का रेशियो है, ठीक है ना, ये आपको इस तरह से लिखने हैं. सो जुपिटर कैन एकोमोडेट 1331 अर्थ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हो. तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर क्वेश्चंस नंबर 16 में हमसे क्या पूछे गए हैं. बोझो मेड द फॉलोइंग स्केच फिगर 17.29, आप देख पा रहे हो, ऑफ द सोलर सिस्टम्स, इज द स्केच करेक्ट, इफ नॉट करेक्ट इट, ठीक है ना. बोझो एक बनाते हैं स्केच को, ठीक है ना, सोलर सिस्टम्स का, जहां पर वो स्केचेस में कुछ रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या उसका स्केच जो है वो करेक्ट है, अगर नहीं है तो आपको करेक्ट करना है. तो डेफिनेटली उस बोझो जो बनाते हैं ना स्केच को, वो रॉन्ग है, ठीक है ना, वो जो डिफरेंट जो डिस्टेंसेस है ना सोलर से, माने सन से, हमारे सोलर फैमिली में सन से जो प्रॉपर डिस्टेंस में प्लैनेट है वो उनको रॉन्गली अरेंज किए हैं, तो हमें उन्हें प्रॉपरली अरेंज करना है, जैसा आप सभी देख पा रहे हो. तो हमने अरेंज करके रखा है, आप देख पा रहे हो, और प्रॉपर अरेंज जो है आपके बुक्स में भी है, ठीक है ना फ्रेंड्स. तो आपको लिखने हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे, चलिए देख ले रहे हैं. आप लिखोगे पोजिशंस ऑफ मार्स एंड वेनस एंड यूरेनस एंड नेपच्यून शुड बी इंटरचेंज, उन्होंने इन सभी को गलत वे में लिखा है, ठीक है ना, रॉन्गली लिखा है, आपको इंटरचेंज करने हैं. द करेक्ट पोजिशंस ऑफ द प्लैनेट्स आर एज फॉलोज, जो करेक्ट पोजिशंस होंगे प्लैनेट्स के वो कुछ ऐसे होंगे जो आपके बुक्स में भी दिए गए हैं, आप देख सकते हो कुछ ऐसे, ठीक है ना फ्रेंड्स. तो आप सभी जानते हो सन से डिस्टेंसेस वाइज कैसे जो है वो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है ना, आप सभी को पता है. तो मरकरी कहां पर होते हैं, वेनस कहां पर होते हैं, अर्थ कहां पर होते हैं, मार्स, ठीक है ना, देन आप बोलोगे मार्स के बाद जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, ये जो 8 प्लैनेट्स हैं वो कैसे डिस्टेंसेस वाइज हैं ये आपको जान लेने हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो काफी टाइम्स एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में.